हाँ बच्चों, आज के टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। इसके पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा दिया गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या पढ़े थे आप लोग? जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से चले उसी माध्यम में वापस लौट जाए, यानी मान लीजिए सघन माध्यम है, सघन माध्यम को डैश डैश से दर्शा दीजिए। सघन माध्यम में एक प्रकाश की किरण तल से टकराती है, इसके बाद टकरा करके पुनः उसी दिशा में, यानी जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस चली जाती है। यहाँ पर जो कोण बनेगा आई का मान इस स्थिति में, किस स्थिति में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में इसका मान सी से ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा? सी से ज़्यादा। आई इज ग्रेटर देन सी। सी का मतलब क्रांतिक कोण, जिसके बारे में ये क्लास लिया गया है पिछली वाली क्लास। और जो आर होता है, देखिए आर का मतलब अपवर्तन कोण, ये कितना हो गया है? R इज ग्रेटर देन 90, 90 अंश से ये ज़्यादा हो गया। जब ये C से ज़्यादा होगा तो ये 90 से ज़्यादा होगा ही, क्योंकि C तब होता है जब R 90 होता है। तब क्या होता है? क्रांतिक कोण की स्थिति वही C की I की होती है। और यहाँ पर जब I का मान C से ज़्यादा हो गया तब जो R का मान है वो 90 से अधिक होगा। इस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है, और इन्हीं इसी स्थिति पर आधारित कुछ उदाहरण जो दिए गए हैं आप लोगों को, उनके बारे में अभी बताते हैं हम। पहला क्या है? रेगिस्तान में मरीचिका यानी भ्रम एक होता है, लूमिंग जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूमिंग इन डिजर्ट। रेगिस्तान में क्या होता है? एक ऐसा भ्रम होता है जिससे आप लोग किसी भी वस्तु को देखेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगी और ऐसा लगेगा कि इसके चारों ओर पानी है। क्या है? इसके चारों ओर पानी है। और वो स्थिति कब होती है? दोपहर के समय। किस स्थिति में? दोपहर के समय। देखिए जब ज़्यादा धूप होगी तो आप जो ये लूमिंग की स्थिति है यहाँ भी देख सकते हैं। सड़क पर आप चलते हैं, रोड पे, मेन रोड जो है उस रोड पर चलेंगे तो धूप, जब खूब तेज़ धूप हो उस स्थिति में, तो आपको ऐसा लगेगा कि रोड पर कुछ दूरी पर पानी है, पानी नज़र आता है ना। कितने लोगों को आता है? देखे हो इस घटना को? हाँ, इसका मतलब दोपहर में आप लोग घूमे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी काम लगता है तो हर व्यक्ति काम के लिए, चाहे जो समय हो, दिन रात दोपहर किसी भी समय निकल देता है। तो ठीक है, आप लोगों ने दोपहर के समय इस घटना को देखा है। कहाँ पर? अपने गांव या अपने शहर की सड़क पर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सड़क पर बीचों बीच कुछ दूरी पर पानी नज़र आता है। तो पहली स्थिति को बताते हैं, रेगिस्तान में कैसे ये क्रिया होती है। देख लीजिए, एक पेड़ है, मान लीजिए ये क्या है? एक पेड़ है। और कहाँ पर है ये? रेगिस्तान में। कहाँ पर? रेगिस्तान में एक पेड़ है, और यहाँ से कोई देख रहा है इसको। तो इसके देखिए, जब धूप होती है तो जो रेत होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्या होगा? गर्म होगा, तो उसके ऊपर वाली वायु क्या होगी? ठंडी होगी। ऊपर वाली वायु क्या होती है? जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है उसके ऊपर वाला वायुमंडल क्या होता है? ठंडा होता है ना। जैसे इसी कमरे में बैठे हो, पढ़ रहे हो, सब लोग एक साथ हैं, तो घनत्व तो क्या है? सबका ज़्यादा है, इसलिए गर्मी होगी। अभी बाहर निकल जाओ तो क्या होगा? मौसम कुछ यहाँ की अपेक्षा ठंडा रहेगा। वैसे ही
ये रेत है नीचे, नीचे सब क्या है, रेत है। तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है कब, दोपहर के समय। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो इसके ऊपर वाली परत कुछ ठंडा होगी, इसके ऊपर वाली उस इसकी अपेक्षा ज़्यादा ठंडा होगी, ये वाली और ज़्यादा ठंडी होगी, ये वाली और ज़्यादा ठंडी होगी, ये वाली और ज़्यादा ठंडी होगी। इसके बाद यानी जितनी परतें हैं धीरे धीरे लगभग सभी क्या होती हैं, एक दूसरे की अपेक्षा ऊपर वाली ठंडी होती रहती है। अब देखिए जो किरण यहाँ से चलेगी, जो किरण यहाँ से चलेगी वो क्या करेगी, जब कोई प्रकाश की किरण, यह ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या करती है, अपवर्तन में अपने अभिलंब की ओर झुकती है। तो इसमें क्या करेगी, ये सघन माध्यम है, ऊपर वाला क्या है सघन माध्यम, नीचे वाला विरल, थोड़ा सा विरल रहेगा फिर सघन, फिर विरल फिर सघन, फिर विरल फिर सघन। तो इस प्रकार से इसका मार्ग धीरे धीरे क्या होता है, बदल जाता है यहाँ पर। और हम कहाँ हैं, हम या आप कोई यहाँ पर खड़ा है, मान लीजिए कोई खड़ा हो के यहाँ से देख रहा है इसको, किसको देख रहा है, पेड़ को। तो पेड़ को देखता है तो ये जो किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये जो किरण हमको सीधे यहाँ आनी चाहिए थी, ये कहाँ जा रही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए यहाँ पहुँच गई, यहाँ से तब हमको नज़र आएगी हाँ यहाँ पर है किरण, यहाँ पर किरण है। लेकिन जब इसको हम देखते हैं तो इसके सीधी रेखा में पेड़ हमको यहाँ दिखाई देता है कि पेड़ यहाँ पर है, यानी इसका सेम उल्टा स्थिति, यहाँ पर इसके सीधे उल्टा दिखाई देगा पेड़। समझ गए क्यों दिखाई देता है, अब हमको देख, हम तो देख रहे थे एकदम सीधा इधर है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया के कारण जो किरण थी ये यहाँ से धीरे धीरे विचलित होते हुए यहाँ पहुँच जाती है। और जब हम देखते हैं इसको तो ऐसा लगता है कि ये किरण यहाँ से आ रही है और पेड़ यहाँ उल्टा उल्टा लटक गया है पेड़। ये हो गया रेगिस्तान में मरीचिका। दूसरा है कांच में पड़ी दरार का चमकना, कांच में जो दरार पड़ती है वो चमकती क्यों है, अब उसे समझ लीजिए। मान लीजिए एक समतल कांच है, ये क्या है, एक समतल आयताकार कांच है, इसमें से किसी कारण बस यहाँ से इतना चटक गया, क्या होता है ये चटक जाता है, चटकने का मतलब इसके बीचों बीच हवा भर जाएगी, जब ये चटकेगा तो जगह होगी और जहाँ जगह पाती है हवा वहाँ घुस जाती है। ये हवा का क्या है, गुण है कि जहाँ स्थान मिला वहाँ कौन रहेगा, हवा रहेगी और कोई नहीं रहेगा, अगर फ्री है एक प्रकार से तो वहाँ सबसे पहले कौन जाएगा, हवा। तो हवा जब यहाँ प्रवेश कर जाएगी तो बताइए इसके और इसके बीच, ये सब तो कांच है, ये क्या है, पूरा पार्ट तो इसका कांच है, लेकिन यही जो दरार पड़ गई वही क्या बन गई, हवा। तो विरल माध्यम बन गया, कैसा माध्यम बन गया, विरल माध्यम। और वो विरल माध्यम ऐसा होता है कि जो इधर से किरण जाती है इसको उसके आर पार नहीं होने देता। आर पार कैसे होगा, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होगी तो क्या होगा, किरण जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जाएगी, क्योंकि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से क्या होता है, आर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये क्या करेगी, फिर यहीं से लौट आएगी, इस माध्यम में लौटेगी, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये किरण यहीं से वापस आ जाएगी,
जितनी भी किरणें इसमें प्रवेश करेंगी सब इसी प्रकार से क्या करेंगी वापस। तो बताइए उसके पार जा रही है किरण, नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इस किरण का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और यही कारण है कि जहाँ से कांच चटकी होती है वहाँ ज़्यादा चमक होती है। तो यह दूसरा पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से हीरा है, हीरा मान लीजिए यही है, तो इसमें भी यही क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया। इसमें जो किरण अंदर प्रवेश करती है वो किरण टकरा करके पुनः उसी माध्यम में घूमती रहती है। घूमती रहती है इसका मतलब ये बाहर नहीं निकलती, और जब बाहर नहीं निकलेगी तो हीरा क्या करेगा, चमकेगा। ये है हीरे की चमक। ये किरण यहीं से जाती है फिर इसी माध्यम में, यानी बाहर से तो प्रवेश कर गई तो क्या करेगी, अभिलंब से थोड़ा अभिलंब की ओर झुकेगी। सघन विरल से सघन में जा रही है तो क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, और झुकने के बाद जब ये पूरा क्या पा जाती है, सघन माध्यम, तो उसी में इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यही कारण है कि हीरा क्या करता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। तारों का टिमटिमाना, अब देखो तारे बहुत ऊंचाई पर हैं, तारे हमसे क्या हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर। यहाँ पृथ्वी मान लीजिए है, यहाँ से हम तारे को अगर देखेंगे, हम देखें या आप लोग देखें कोई बात नहीं है, चाहे जो सभी लोग देखते हैं तारे को, तारे को जब यहाँ से देखेंगे तो कितने प्रकार के माध्यम पड़ेंगे बीच में, दो प्रकार। माध्यम कितने प्रकार का होता है, मात्र दो प्रकार का, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। ये फिजिक्स की भाषा में है और प्रकाश के लिए है, ना कि और दूसरा माध्यम, चलने का माध्यम, उठने का माध्यम, बैठने का माध्यम, इस सबसे नहीं मतलब है। ये केवल किसके लिए माध्यम बताया जा रहा है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के लिए। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे पृथ्वी है, सूर्य अभी डूबा है, कुछ समय पहले इधर चला गया। सूर्य क्या किया, इस दिशा से इधर चला गया, तो इधर अंधेरा हो जाएगा, इधर अब लाइट हो जाएगा, या फिर इधर दिन हो जाएगा, इधर रात हो जाएगी। तो जहाँ रात होगी वहाँ नीचे वाले टेम्परेचर में वृद्धि रहेगी, क्या होगी, अधिकता होगी, और ऊपर वाला टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो जो स्थिति अभी लूमिंग वाले में थी वही स्थिति यहाँ भी बनेगी। तो क्या होगा, तारों से आने वाला जो प्रकाश है हमें कुछ घूम करके या फिर परावर्तित होकर के, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के हमारे पास पहुँचेगा। इसलिए जो तारे होते हैं हमको हिलते हुए नज़र आते हैं या फिर टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद है द्रव में पेंसिल का टेढ़ा दिखना, ये अपवर्तन का एक अनुप्रयोग है। द्रव में पेंसिल का टेढ़ा दिखना, चलिए मान लीजिए ये क्या है, ग्लास है, और इसमें एक पेंसिल रखी गई है, पेंसिल ऐसे रखी गई है, ये पूरा जल से भरा हुआ ग्लास है।
यहाँ से मान लीजिए कोई देख रहा है इसको, अब यहाँ से जो लाइट आएगा विरल माध्यम से किस माध्यम में जाएगा, सघन माध्यम में, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा, इधर झुकेगा और ये वाली पेंसिल जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये थोड़ा सा इस स्थिति में रहेगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो किरण होती है ये पूरी तरह से उसी माध्यम में वापस लौट आती है, और अपवर्तन में क्या होता है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाएगी। और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो जहाँ इसका तल मिलेगा वहीं पता चलेगा कि ये वस्तु यहीं पर रखी हुई है। तो जो पेंसिल है वो थोड़ा उठी हुई नज़र आएगी, या तो इसको यहाँ से बनाइए, यहाँ से मान लीजिए देखते हैं सीधा, तो ये किरण जो पेंसिल से चलने वाली किरण है एक तो यहाँ से सीधा ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है और दूसरी वाली यहाँ से, तो ये जो दोनों जहाँ पर एक दूसरे को टच करेंगी देखने पर ऐसा लगेगा कि जो इसकी वास्तविक स्थिति है थोड़ा ऊपर उठी हुई है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। द्रव का जो अपवर्तनांक होता है, द्रव का अपवर्तनांक इसके कारण ये पेंसिल थोड़ा सा उठी हुई नजर आती है, किसके कारण, अपवर्तनांक और अपवर्तन के कारण। किरण का अपवर्तन होगा तो एक पेंसिल यहाँ नज़र आएगी और यहाँ से देखने पर इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो पता नहीं चलती है। कौन सी स्थिति, वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता क्योंकि ये किरणें, अब देखिए इसमें डाले तो ऐसे थे सीधा, लेकिन ये जो किरण है इसको सीधे दिखाना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या करेगी, झुकेगी, इसका अभिलंब यहाँ पर होगा, पेंसिल का जो तल है उसके टकराने का अभिलंब कहाँ होगा, इस स्थिति में, और ये इसकी ओर थोड़ा सा झुकेगी, तो इसकी वास्तविक स्थिति थोड़ा सा उठ करके नज़र आएगी। इस प्रकार से जल में रखी हुई पेंसिल या फिर कोई भी वस्तु है उसका जो मेन स्थिति होगी या पोजीशन होगी वो थोड़ा सा ऊपर नज़र आती है। इसका प्रैक्टिकल आप लोग घर पे कर सकते हैं, पेंसिल को गिलास में पानी भर लीजिए और उसी में डालिए तो ऐसा लगेगा कि ऊपर है। इसी प्रकार से सिक्का होता है, सिक्का अगर सिक्के को यहाँ डाल दिया जाए तो वही स्थिति है कि ये भी क्या नज़र आता है कि ये कुछ ऊंचाई पर है, यहाँ से कुछ ऊंचाई ऊपर है। उसका मेन कारण यही है कि परावर्तित होने के बाद किरण इसी माध्यम में रह जाती है और ये ऐसा आभास होता है कि सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ उठा हुआ है। तो इन सब प्रैक्टिकलों को आप अपने घर पर कर सकते हैं, करिएगा, और जो भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं,
उन्हें फिर से आपको बताया जाएगा जहाँ कमी रहेगी। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए। धन्यवाद।